पिक्स वगैरह शूट कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने आज डिसाइड किया, आज मैं जाने वाला हूँ किशनगढ़ डंपिंग यार्ड। बहुत सुना यार वहाँ पे उस लोकेशन के बारे में, वहाँ पे बहुत सारी मूवीज भी शूट हुई है। और आज हम जाने वाले इस गाड़ी से, तो निकलते हैं और पहुँचते हैं सीधा अपनी लोकेशन पे। रतन में कितनी देर लगी यार? 2 घंटे हो गए घर से निकले, अभी तक कहीं कोई दूर दूर तक। और आप जंगल में से कौन से रास्ते से लेके चल रहे हो? पहुंचने वाले हैं अपन। कौन से रास्ते से लेके आओ? ये सामर वाला रास्ता है, 45 किलोमीटर और बस यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर। नेटवर्क भी काम नहीं कर रहे, देख सकते हो गाने जहाँ थे ना वही अटक चुके हैं। तो हम लोग यार एंटर कर चुके हैं किशनगढ़ के अंदर। वो मेरे को इसलिए पता चला है क्योंकि यार मैंने भी सुना है किशनगढ़ में ना मार्बल के लिए फेमस है। और यहाँ पे मंडी आप देख सकते हो कितनी बड़ी मंडी है। तो यहाँ पे देख सकते हो लिख भी रखा है इंटरनेशनल। तो बाहर भी जाता है क्या? अपने इंडिया के बाहर भी यहाँ से यहीं से जाता है पूरी जगह। तो देख लो इतने बड़ी बड़ी यार फैक्ट्रियां वगैरह मशीने ऐसी ऐसी कहीं नहीं मिलने वाली है। और ऐसे नहीं कि एक ऐसी, यहाँ पे हजारों लाखों होगी यार। देखो इस तरफ कुछ भी नहीं है, केवल मार्बल के अलावा। मार्बल के लिए फेमस है ना, मार्बल ही और कुछ भी नहीं है। हम लोग पहुंच चुके हैं लोकेशन पे डंपिंग यार्ड, यहाँ से 1.5 किलोमीटर की लोकेशन पे। वहाँ पे एंट्री के लिए हम लोग यहाँ से मार्बल एसोसिएशन से, यहाँ से हम लोग टिकट वगैरह कुछ टोकन वगैरह कटते हैं, वो कटवाने होंगे तो हम यहाँ से कटवाते हैं। अभी डंपिंग यार्ड के लिए वो टिकट काट दो। गाड़ी नंबर भी, नाम, मोबाइल नंबर। तो हम लोगों के पास ये टोकन आ चुका है और इसके कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री में है। बट यहाँ से ये एंट्री देंगे ना, अगर आपके पास ये होगा टोकन तभी वहाँ पे डंपिंग यार्ड में एंट्री होगी। कैमरा जमा करा दो भैया। हाँ भैया, कैमरा जमा क्यों भी अंदर ले जा सकते हैं ना हम लोग। तो नहीं लेंगे हम कैमरा, गाड़ियां खड़ी कर दो ऐसा। अगर कैमरे के कितने रुपए चार्ज है? 5,000 रुपए कैमरा किसी भी तरह, वीडियो नहीं बनाया तब भी। फोन का कोई चार्ज नहीं है? फोन का कोई चार्ज नहीं है, कैमरा जमा करो अंदर जाना हो तो। चलो ठीक है, भी हम जमा करवा देते हैं अंदर। यहाँ पे हमने फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है, हमारी गाड़ी के टोकन भी दिखा दिए और जो कैमरे थे वो भी जमा करा दिए हैं। तो हम ले रहे हैं अब अंदर एंट्री डंपिंग यार्ड में। तो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, देखते हैं क्या ही है यहाँ पर। और यहाँ पे कैमरे वगैरह के यार अलग अलग चार्जेस है, जैसे जैसे कैमरे की लेंथ होगी ना उसके अकॉर्डिंग। तो हमने गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दी है और इस तरफ हम एंट्री कर चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो यार बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। और यहाँ पे इस तरफ यार ऐसा फील आ रहा है जैसे हम आ चुके हैं स्विट्जरलैंड में। तो राजस्थान का स्विट्जरलैंड भी जो बोला जाता है। ये देखिए पूरी बर्फ ही बर्फ दिख रही है। और उस तरफ ना यार जो प्री वेडिंग शूट्स होती है ना सारी वहीं पे होती है, वो उधर भी मैं आपको लेके चलता हूँ। तो चलते हैं हम उस तरफ। तो यहाँ पे हेलीपैड भी लैंड होते हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो हम चलते हैं अब इस तरफ। ये कोई सेलिब्रिटी आता है ना? हाँ, तब उतरते होंगे ना यहाँ पे। फिर काफी बड़ा है वो टूरिस्ट प्लेस हो चुका है यार ये तो। उस तरफ देखो फोटो शूट के लिए यहाँ पे वो जगह भी बना रखी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लिख भी रखा है, इसे स्नो यार्ड भी बोला जाता है किशनगढ़ का यार। फिर बीच में यार वहाँ पे देख सकते हो अब काम वगैरह भी चल रहा है। तो बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं और अपनी फोटोज पिक्स मूवीज वगैरह शूट करते हैं। प्री वेडिंग शूट्स भी यहाँ पे चलती है, तो वो भी अगर आपको यहाँ पे तो मैं दिखाने वाला हूँ। रतन भी देख के आ रहे पिछलो गए यार, बर्फ के अंदर गिर मत जाना आप यार। यार यहाँ पे ना ऐसे लग रहा है जैसे हम बर्फ के अंदर चल रहे हैं। अब इस जगह पे आके उस तरफ नहीं लग रहा था, बट यहाँ पे पूरा बर्फ वाला फील है यार। सच में हम आ चुके हैं स्विट्जरलैंड में यार। ये देख सकते हो लोग यार किस तरीके से यहाँ पे पिक्स वगैरह शूट कर रहे हैं। अपन भी चलेंगे उधर, उधर बड़ी वाली बर्फ पे वहां चलते हैं अपन। चलो ठीक है यार, वहां चलते हैं अपन। तो देखो कहाँ पे? वो फ्लैग के पास, अपने इंडिया के फ्लैग के पास। हाँ, इंडिया के फ्लैग के पास चलते हैं। तो यहाँ से व्यू दे सकते हो राजस्थान के स्विट्जरलैंड का यार किस तरीके से यार यहाँ पे बर्फ में सब लोग एंजॉय कर रहे हैं अलग अलग लोकेशन पे यार। और भीड़ देखिए यार आती जा रही है यहाँ पे ना, रश देखिए बढ़ती जा रही है ना, कम नहीं हो रही है। मौसम देखो, हवा देखो कैसी। हाँ एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो ज्यादा पास नहीं जाऊंगा क्योंकि बर्फ से अगर फिसलाना तो यार सीधा नीचे जाने वाला हूँ। तो चलते हैं उस तरफ। चले चले, 1 2 3 आ जाओ। तो उस बर्फ की टीबे से हम इस बर्फ पे आ चुके हैं। यहाँ पे भी यार काफी अच्छा है, तो काफी अच्छे मतलब प्री वेडिंग शूटिंग के लिए काफी जगह दे रखी है ना यहाँ पे।
अरे यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं अपन, और वहाँ पे बीच में पानी भी है यार। करो आप ट्राई करो, नीचे भी जा सकते हैं। नहीं नहीं गिर जाओगे तो वहाँ पे देखो बीच में पानी भी, उस पानी के पास भी चलोगे क्या? पास तो वहाँ पे भी हम जाने वाले हैं। फिर वहाँ पे की जो बर्फ थी ना वो पिघल चुकी है। चलते हैं यार पानी के पास, चलते हैं अपन। चलो उतरे वापस इधर से आ जाओ। ओ भाई ओ यार गिर चुका हूँ, बच गया मैं, क्योंकि बर्फ आपको मतलब बहुत ज्यादा पिघलन होती है, जैसे गिराना तो यार बच गया, बैलेंस बन गया लास्ट टाइम पे। नहीं तो आज यार नहीं नहीं बर्फ से मजा आएगा फिसलने में। अरे नहीं यार मैं तो इधर से आऊंगा। यार यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग सबसे चोटी पे आ चुके हैं। इसके बाद दूसरी चोटी सबसे ऊपर वाली, वो वहाँ भी हम लोग जाने वाले हैं। तेरे यहाँ पे काफी इंजॉय कर रहे हैं, अगर आप लोग भी इंजॉय कर रहे हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए यार। तो अब हम लोग जा रहे हैं पानी के पास में, इस तरफ से। तेरे यहाँ पे देखते हैं कैसा माहौल रहने वाला है। अरे ये तो पूरा समुद्र है यार, पूरा समुद्र है, चारों तरफ बर्फ है, बहुत मजा आ रहा है यार। ओके भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू ठाकुर है। ओके तो भैया यहाँ पे हॉर्स राइड वगैरह करवाते हो आप? हाँ सर बिल्कुल। गाइस वेलकम टू किशनगढ़ डंपिंग यार्ड, आप देख सकते हैं तो मैं हूँ सोनू ठाकुर। ये क्या चार्जेस वगैरह है? 100 रुपए है एक जने के, 100 रुपए में फोटो वीडियो राइडिंग स्लोमो नॉर्मल एक्शन वैक्शन धर्मेंद्र। यार वैसे करवाओगे कुछ? हलप नहीं कराते हैं, स्टंट नहीं कराते, स्टंट कराने से क्या बच्चे या आदमी गिर जाता है। सर यहाँ पे काफी मजा आ रहा है यार मेरे को, घुमा दो अभी, घुमा दो वापस फटाफट एक बार। कहाँ गए भैया? आओ ना यार। सर देख सकते हो ये भैया बैठ चुके हैं, उनको डर लग रहा है बहुत ज्यादा। अंदर लगा, अंदर बैठा अंदर। हाँ तो सर आप देख सकते हैं ये हमारा चंपक फर्स्ट। तो यार सब लोग यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, जितने भी लोग दिख रहे हैं ना सब अलग अलग जगह से आए यार। कुछ लोग राजस्थान से आए, कुछ लोग जयपुर से, कुछ आउट ऑफ जयपुर, आउट ऑफ राजस्थान से भी यहाँ पे लोग विजिट करने आए हैं। फिर काफ़ी अच्छी जगह मेरे को लगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना यार भारत का स्विट्जरलैंड आपको कैसा लगा। यार कैसे बना हुआ है तब? क्या ही पता है, मेरे को तो नहीं पता। अगर आप में से किसी को पता हो यहाँ पे कैसे बना हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना यार। और आज का व्लॉग हमारा यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।